वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम में हमने अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस पर टेस्ट ली थी, तो आज हम देखेंगे इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो चलो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दो मिनट के लिए मैं आंसर हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, और क्योंकि एमसीक्यू से थोड़ा मैं रफली पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर। ये मान लीजिए कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, द टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इफ, अब बात करते हैं कि हमारा हमारे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर। जैसे देखो बच्चों की जैसे हम बात करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है। ठीक है, कोई एक आधा कर्व मान लीजिए कि इस तरह से एक आधा कोई कर्व है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट निकालता हूँ। तो ये टेंजेंट आप देख रहे हो इस तरह से निकलेंगे। अगर ये टेंजेंट इस तरह से अगर निकलती है और वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और आपको मालूम है हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू यम इज इक्वल टू टैन थीटा है। और आपको मालूम है स्लोप ही हमारा डीवाई बाय डीएक्स भी होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो थीटा कितना है हमारे पास में, थीटा है 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए आप अगर देखेंगे तो टैन 90 यानी टैन थीटा की अगर बात करते तो टैन कितना बन जाएगा, टैन ये बनेगा 90। और आप सबको मालूम है टैन 90 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो टैन 90 अगर इनफाइनाइट है, सो आपका यम इज इक्वल टू अगर बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। सो आपको ऑप्शंस जो दिए गए थे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है, देना क्या चाहिए था, इनफाइनाइट। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स 1, वो तो रहना ही नहीं है। उसके बाद में डी एक्स बाई डी वाई है, यानी हम अगर इसको उल्टा कर दें। ठीक है, यानी इस चीज़ को देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, अगर आप डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 अपॉन इन्फिनिटी अगर लेते तो ध्यान में रखो आपका फाइनल आंसर डी एस बाई डी वाई 1 बाई इन्फिनिटी ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, 0। और इसलिए हमारा डी एस बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 ये आंसर वहाँ पे चाहिए था। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन भी था डी एस बाई डी वाई इज इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर क्या चाहिए था, डी एस बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, तो क्या होता है कि कभी कभी हमको थोड़ा सा घुमा फिरा कर वो बात करते हमसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उनके उन क्वेश्चंस को बराबर समझना है और किस तरह से उन्होंने घुमाया फिराया है। ठीक है, उसको हमको बराबर अच्छे से टैकल करना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड को। अब देखो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, चलो बताओ भला क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है, अब ये फंक्शन वहाँ पे ऑप्शंस है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉन ऑफ दिस ऐसा दिया है। तो चलो हम देखते हैं, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी एफ डैश एक्स। अब देखो ये 2 का 0 हो जाएगा, माइनस 3 को बाहर निकाला, x का डेरिवेटिव 1 इंटू 3 छूंगा, यानी 0 माइनस माइनस 3 सॉरी 0 माइनस 3 अगर करते तो माइनस 3 आएगा। और ये आपको मालूम है बच्चों ये लेस देन 0 है। अगर यफ डैश एक्स लेस देन 0 आता तो हमारे पास यफ ऑफ एक्स क्या होता है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, सो यफ ऑफ एक्स डिक्रीजेस, क्या बोलेंगे हम, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेस। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता तो वो इंक्रीजेस। देखो मैक्सिमम मिनिमम के लिए कंडीशन अलग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन अलग है। यहाँ पर अगर ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हमारा आंसर क्या चाहिए था, यहाँ पर डिक्रीजिंग। ठीक, चलो अब द फंक्शन, अब मिनिमम मैक्सिमम की बात है तो याद करिए, पहले तो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस, आप चेक करो यहाँ पे माइनस 12x है प्लस 5 हैज अ मिनिमम एट। अब मैंने भले आंसर लिखा है लेकिन आया कैसे वो तो देखना है हमको। ठीक है, तो हमको मिनिमम या फिर मैक्सिमम के लिए क्या क्या किया, तो याद करो सबसे पहले हम एम डैश एक्स निकालते, तो 3 × 2 = 6 पावर एक से कम, 2 × 3 = 6 पावर एक से कम, माइनस 12x का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखा तो चलता। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब इसका फिर से क्या करो, वो 0 को छोड़ दो, फिर डबल डैश निकालो यानी डबल डेरिवेटिव, तो 6 × 2 = 12x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, 6 हो जाएगा और माइनस 0। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर बात करते तो सिंपली 12x माइनस 6। फिर उसके बाद याद करो हम क्या करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेते। अब एफ डैश एक्स क्या है, ये इसको आप छोड़ दो, यानी इसमें से
सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स है माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। सिक्स कॉमन निकाला तो, या फिर डिवाइडिंग बाय सिक्स करो, मैं बोलता हूँ डिवाइडिंग बाय सिक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सिक्स गया तो एक्स, और सिक्स टू जा ट्वेल्व, ठीक है। अब यहाँ पर टू के टुकड़े करो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने रिप्लेस किया इससे, आप चेक कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, दो दो के ग्रुप बनाओ तो एक्स एक्स माइनस टू होगा प्लस कुछ नहीं यानी वन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू निकालते और एक्स प्लस वन है इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x इज इक्वल टू टू और x प्लस वन डायरेक्ट करते x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर रखते हैं m डबल डैश में, ठीक है। सो क्या बोलेंगे m डैश x, ठीक है, कहाँ पर एट x इज इक्वल टू टू। तो क्या होगा देखो, 12x है ये, तो 12 इंटू टू माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये 24 माइनस, ये 24 है माइनस सिक्स यानी 18 आएगा। अब जो 18 है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो है। बच्चों मैंने कहा था डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में यब डैश एक्स का विचार करते, यहाँ पर यब डबल डैश का विचार करते सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पर लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पर लेस देन जीरो आया तो वो मैक्सिमम होता, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आया तो वो इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आया तो वो मिनिमम होता है। यानी हमारा ये फंक्शन क्या है, सो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू टू, यानी आपकी वैल्यू चाहिए टू, ठीक है, यानी आपका आंसर चाहिए x इज इक्वल टू टू। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर आप इसको चेक करके बता सकते हो किस चीज़ को, जैसे हमारे पास ये भी तो आया ना x इज इक्वल टू माइनस वन। अब सिंपल है, डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर, यानी ये अब डबल डैश में रखना है ना, तो ये 12 इंटू माइनस वन होगा माइनस सिक्स, तो ये आंसर आएगा आपका माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स यानी माइनस एटीन। माइनस एटीन लेस देन जीरो है, जब वो यब डबल डैश लेस देन जीरो आता तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होता, मतलब यहाँ पर ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, यानी हमारा आंसर क्या होगा वो मिनिमम किस पे होगा, जब एक्स इज इक्वल टू टू होगा, और इसलिए हमारा आंसर क्या चाहिए था, टू चाहिए था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर हमको देखना है। यहाँ पर देखो क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। देखें सबसे पहले तो हमको क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कर्व दिया आपको, मालूम है नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप हमारे टेंजेंट के स्लोप के निगेटिव में उल्टा रहता, तो पहले हम क्या कर लेते टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप यानी ये मैंने यहाँ पे बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो पहले उसको निकालो, तो डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डीवाई बाई डी एक्स, तो ये बनेगा टू एक्स, ठीक है, माइनस, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले, ये एक्स पावर माइनस टू हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर टू सामने आ गया और एक्स का पावर माइनस थ्री, ठीक, यानी यहाँ पर होगा टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब होगा, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास में आ जाएंगे। अब उसने क्या कहा है हमको, यहाँ पर पॉइंट दिया है कौन सा, माइनस वन और ज़ीरो, ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं स्लोप निकालते हैं, यानी m इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स एट एट पॉइंट कौन सा है, माइनस वन कॉमा ज़ीरो, तो माइनस वन कॉमा ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या है 2 माइनस इंटू माइनस वन प्लस ये टू है अपॉन ये माइनस वन का क्यूब, तो ये बनेगा माइनस टू, ये माइनस वन का क्यूब माइनस वन चाहता, तो ये हमारा होगा माइनस टू, माइनस टू माइनस टू बन जाएगा माइनस फोर। तो दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, समझो मैं यम वन से बताता तो वो क्या रहता, स्लोप ऑफ टेंजेंट के निगेटिव में उल्टा, निगेटिव में उल्टा, तो यम है तो यम के उल्टा वन बाई यम, ये माइनस वन बाय यम, यम क्या है माइनस फोर, और इसीलिए हमारे पास में माइनस माइनस प्लस होगा और आंसर आएगा वन बाय फोर, तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा वन बाय फोर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब हमारे पास है और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, आप इसको देख लो जरा सा क्या है, द फंक्शन, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि ऑप्शन में वैसा ही दिखा, ठीक है, जो फंक्शन दिया है ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर डिक्रीजेस समटाइम्स इंक्रीजेस एंड समटाइम डिक्रीजेस, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको सिर्फ इतना चेक करना पड़ता है कि उसका डेरिवेटिव क्या है, यफ डैश क्या है। तो पहले फंक्शन क्या है हमारे पास, यफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
टैन एक्स माइनस एक्स है, तो यम डैश एक्स क्या होगा? तो टैन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों यहाँ पर होगा सेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा वन। अब आपको मालूम है सेक्स स्क्वेयर का फार्मूला है वन प्लस क्या है टैन स्क्वेयर एक्स माइनस वन, सो ऑटोमेटिकली वन एंड माइनस वन गेट कैंसल, सो देयर रिमेंस व्हाट टैन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहाँ पर हमारे इस एक्स की। आपका देखो बच्चों चाहे एक्स कुछ भी हो और उसके अनुसार आपकी टैन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर अगर हम टैन एक्स की वैल्यू कुछ भी लेते चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, चाहे वो हमारी निगेटिव हो, ठीक है, जो भी वैल्यू रहेंगी तो अगर मैं उसका स्क्वेयर करूँ तो स्क्वेयर ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहता, पॉजिटिव रहता, तो ये हमेशा ग्रेटर देन क्या रहने वाला है, जीरो रहेगा। ठीक है, हाँ एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पर जैसे कि एक्स अगर मान लीजिए 45 है तो 45 पे ही वो क्या होता है वन होता, ठीक है, लेकिन बाकी समय में अगर देखो तो चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव लेकिन उसका स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव आएगा यानी ग्रेटर देन वन आएगा, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं बोलेंगे, सिंपली ग्रेटर देन जीरो बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हमारा फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास में क्या आया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो हम कहेंगे यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर हमने आंसर भी लिखा है ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये चेक करना है कि आपको किस तरह से जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मेथड्स कौन से होते हैं, फार्मूले कौन से लगाने होते हैं, इन सब बातों का अगर बराबर आप तालमेल बिठाते हो सो कोई भी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। ठीक है, सो बराबर आप पूरी की पूरी पढ़ाई किया करो, पूरे फार्मूले जो डिस्क्रिप्टिव होता है कंसेप्टिव होता है, ठीक है, कंसेप्चुअल होता है, ठीक है, उसके बाद में एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा फास्ट करना होता है तो उसके लिए थोड़ी ट्रिक आप खुद भी निकाल सकते हैं, इन सब बातों को अगर बराबर आप मैनेज कर सकते हो तो आप विद इन द टाइम या फिर उसके भी पहले आप अपने एमसीक्यूज बोलो या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो आप बराबर उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सो ये हमारी लास्ट टाइम की टेस्ट है, इस टेस्ट को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप इसको बराबर चेक करो, अगर आपका कोई एक आधा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है या फिर आपको नहीं आया तो यहाँ पे आप उसको क्लियर करो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में, टिल देन बाय।